नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम 23 नवंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2019 जारी किया है? तो हाल ही में वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2019 को जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एनर्जी के द्वारा, यानी ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। इस रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने सौर ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। तो आप याद रखिएगा, इस वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एनर्जी ने क्या बताया है कि सौर ऊर्जा का जो उपयोग है आने वाले वर्षों में बढ़ेगा। इसके अनुसार 2040 तक, आप याद रखिएगा, इस रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक जो है सौर ऊर्जा उसका जो उत्पादन है वो कितना बढ़ने की उम्मीद है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वर्ष 2040 तक सौर ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता, यहाँ पर देखिएगा, वर्ष 2040 तक सौर ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है उसको 495 गीगावाट से बढ़ाकर 3142 गीगावाट करने का अनुमान इस रिपोर्ट में लगाया गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट है इसको हाल ही में जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा, तथा इस रिपोर्ट में जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है उसने भविष्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ने का अनुमान लगाया है, तथा इस सौर ऊर्जा के उपयोग में इसने बताया है कि 2040 तक जो सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता है वह 495 गीगावाट से बढ़कर 3142 गीगावाट हो सकती है। तो ऐसा अनुमान लगाया गया हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी की गई है, तो ये बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में। सबसे पहले इसकी स्थापना, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की जो स्थापना है यह की गई नवंबर 1974 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की गई थी, तथा प्रेजेंट टाइम में इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस में है। कहाँ? तो पेरिस में प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर है, तथा टोटल इसके जो मेंबर प्रेजेंट टाइम में 30 मेंबर है। कितने? तो प्रेजेंट इस टाइम में इसके टोटल 30 मेंबर हैं। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इस प्रश्न से रिलेटेड। अगला है, हाल ही में भारत किस देश के साथ अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलेगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हाल ही में यह जो हमारा प्यारी टीम, हमारी जो टीम है इंडिया, ये अपना प्रथम पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलेगी बांग्लादेश के साथ, यानी जो ऑप्शन इसका ए है हमारा बिल्कुल सही है। बांग्लादेश के साथ इंडिया जो है प्रथम पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलेगी, तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तथा यह जो मैच है यह डे नाइट मैच होगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह पहला डे नाइट मैच होगा भारत और बांग्लादेश के बीच। कहाँ पर होगा? तो ईडन गार्डन में, कलकत्ता के ईडन गार्डन में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, कलकत्ता के ईडन गार्डन में भारत अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच खेलेगा। किसके खिलाफ? तो बांग्लादेश के विरुद्ध। तो इसे भी आप याद रखिएगा, तथा इस मैच में जो गेंद है वह पिंक गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा। कौन सी गेंद? तो पिंक गेंद का इस्तेमाल इस मैच में किया जाएगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस मैच से रिलेटेड 4 फैक्ट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले, यह भारत का पहला डे नाइट टेस्ट मैच होगा, इसे भी आप याद रखिएगा, यह भारत का पहला डे नाइट टेस्ट मैच होगा, तथा भारत इस पहले डे नाइट टेस्ट मैच को खेलेगा बांग्लादेश के विरुद्ध, तथा यह जो मैच है यह कलकत्ता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। इसके साथ इस मैच में पहली बार गुलाबी रंग की गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये 4 फैक्ट हैं आपको याद रखने हैं इस प्रश्न से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, किस राज्य सरकार ने YSR मत्स्य कारा भरोसा योजना लॉन्च किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यह जो योजना है YSR मत्स्य कारा भरोसा योजना, इसको हाल ही में आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, यानी जो ऑप्शन इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है। प्रेजेंट टाइम में जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, तथा इन्हीं के द्वारा YSR मत्स्य कारा भरोसा योजना को लॉन्च किया गया है, इसे भी आप याद रखिएगा। तथा यह जो योजना है यह मछुआरों के लिए लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत टोटल 1,32,332 मछुआरों को अप्रैल से जून की अवधि तथा समुद्र
प्रतिबंध के दौरान 10,000 रुपये की मौद्रिक राहत मिलेगी। तो आप इसे याद रखिएगा, इस योजना के तहत जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है मछुआरों को टोटल, मतलब किसने मछुआरों को, तो 1,32,332 मछुआरों को अप्रैल से लेके जून की अवधि तक तथा समुद्री प्रतिबंध के दौरान टोटल 10,000 रुपये का मुआवजा देगी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तथा इसका जो लाभ है 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के मछुआरों को मिलेगा। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इस योजना का जो लाभ है 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के मछुआरों को मिलेगा। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह जो स्कीम है हाल ही में आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, तो इसे आप याद रखिएगा। तथा इसके साथ आंध्र प्रदेश की कुछ एक स्कीम है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस स्कीम का नाम है रायतु बंधु, क्या नाम है, तो सॉरी रायतु भरोसा स्कीम। तो यह जो रायतु भरोसा स्कीम है यह भी आंध्र प्रदेश की एक फेमस स्कीम है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि रायतु भरोसा जो स्कीम है यह किस राज्य की प्रसिद्ध स्कीम है, तो यह भी आंध्र प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध स्कीम है रायतु भरोसा। तथा रायतु भरोसा से मिलती जुलती एक अन्य स्कीम है जिसका नाम है रायतु बंधु, तो इसे आप कन्फ्यूज मत कीजिएगा रायतु भरोसा से। तथा रायतु बंधु जो स्कीम है यह तेलंगाना की स्कीम है। इसके साथ ही एक अन्य स्कीम है कृषक बंधु, तथा कृषक बंधु स्कीम है पश्चिम बंगाल की। तो ये तीनों स्कीमों में आप कन्फ्यूज मत होइएगा, रायतु भरोसा है आंध्र प्रदेश की स्कीम, रायतु बंधु है तेलंगाना की स्कीम, इसके साथ कृषक बंधु है पश्चिम बंगाल की स्कीम। तो इसे आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब बात यहाँ पे आंध्र प्रदेश की है, तो आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। कौन है, तो जगन मोहन रेड्डी प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में जो आंध्र प्रदेश के गवर्नर है वो हैं बिश्वभूषण हरिश्चंदन। अगला इम्पॉर्टेंट है, विश्व के प्रथम मुस्लिम योग कैंप का जो आयोजन है किस देश में किया जा रहा है। तो विश्व का जो पहला मुस्लिम योग कैंप है इसका आयोजन किया जा रहा है हमारे प्यारे देश भारत में। यानी जो ऑप्शन है इसका डी हमारा बिल्कुल सही है, विश्व का पहला जो मुस्लिम योग कैंप है इसका आयोजन हमारे प्यारे देश भारत में किया जा रहा है। तथा भारत में कहाँ पे, तो उत्तराखंड के कोट द्वार में। कहाँ, तो उत्तराखंड के कोट द्वार में इस प्रथम मुस्लिम योग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन जो डी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखिएगा। इसमें विश्व के विभिन्न देशों के 500 से अधिक मुस्लिम महिलाएं और पुरुष हिस्सा ले रहे हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो प्रथम मुस्लिम योग कैंप है इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है। तथा भारत में कहाँ, तो उत्तराखंड के कोट द्वार में। तथा इसमें पूरे विश्व से लगभग 500 से भी अधिक मुस्लिम महिला और पुरुष इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला इम्पोर्टेंट है, विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में जो विश्व मत्स्य पालन दिवस है इसको 21 नवंबर के दिन मनाया गया। तो ऑप्शन जो सी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, हाल ही में 21 नवंबर के दिन विश्व मत्स्य पालन दिवस को मनाया गया। तो ऑप्शन जो इसका सी है हमारा बिल्कुल सही है। तथा इस दिवस को मनाए जाने का जो मेन उद्देश्य है मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को आजीविका तथा महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र को सुनिश्चित करना, इस दिवस को मनाए जाने का मेन उद्देश्य है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला इम्पोर्टेंट है, हाल ही में जारी की गई वैश्विक आतंकवाद सूची में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में जो भारत है उसका कौन सा स्थान है आपको बताना है। तो इस लिस्ट में हमारे प्यारे देश भारत को 7वां स्थान दिया गया है। तो ऑप्शन जो सी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, वैश्विक आतंकवाद सूची में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत को 7वां स्थान दिया गया है। तो ऑप्शन जो इसका सी है हमारा बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखिएगा। अगला है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 1 जनवरी वर्ष 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो हाल ही में यह जो डिसीजन है यह लिया गया है केरल की सरकार के द्वारा। यानी जो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, हाल ही में केरल की सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि उसके यहाँ 1 जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एक स्कीम है, उस स्कीम के तहत 2022 तक पूरे भारत से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उनको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। पूरे भारत को वर्ष 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया केंद्र सरकार का। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट महोत्सव का जो उद्घाटन है कहाँ पे किया गया है। तो यह जो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट महोत्सव है
इसका उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। यानी ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। हाल ही में जो केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्हीं के द्वारा 23 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट महोत्सव का उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। आप इसे याद रखिएगा किसके द्वारा इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया। तो प्रेजेंट टाइम में जो केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इस महोत्सव में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी 8 राज्य अपने हस्तशिल्प, हथकरघा, जैविक उत्पादों और सांस्कृतिक समूह के साथ कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो इसे आप याद रखिएगा, यह जो कार्यक्रम है यह वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है। अगला है, हाल ही में ग्लोबल इंडिया बायो समिट 2019 की शुरुआत कहाँ की गई है। तो 2019 का जो ग्लोबल इंडिया बायो समिट है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया बायो समिट 2019 का आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। आप इसे याद रखिएगा तथा इसका जो आयोजन है 21 नवंबर से लेकर 23 नवंबर के मध्य किया जा रहा है नई दिल्ली में, तथा इसका जो आयोजन है विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला है, किस देश को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 का फोकस देश बनाया गया है। तो 2019 के लिए जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसके लिए फोकस देश है रसिया। यानी ऑप्शन जो बी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। इस वर्ष जो हमारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है इसके लिए जो फोकस देश है वो रसिया को बनाया गया है। तो ऑप्शन जो बी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। तथा 2019 का जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसका आयोजन गोवा में किया जा रहा है। तो इसे आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब बात यहाँ पे रूस की है, तो रूस के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रेजेंट टाइम में राजधानी है मास्को। क्या है, तो रूस के प्रेजेंट टाइम में राजधानी है मास्को। तथा रूस के प्रेजेंट टाइम में ऑफिशियल जो करेंसी है वो है रूसी रूबल। जो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है इस प्रश्न से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे कल के सवाल की। जो कल का सवाल आपके लिए पहला था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्चुअल क्लास परियोजना का शुभारंभ किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हमारा था ऑप्शन ए, उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में यह जो वर्चुअल क्लास परियोजना है इसका शुभारंभ किया गया। तो ऑप्शन जो ए था इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही था। वहीं हम अगले प्रश्न की बात करें, तो हाल ही में किस देश ने फीफा अंडर 17 विश्व कप जीता। तो इसका राइट आंसर हमारा था ऑप्शन ए, ब्राज़ील की टीम ने हाल ही में फीफा अंडर 17 विश्व कप जीता। तो ये दो सवाल कल के थे जिनका जवाब आपको मिल गया है। अब हम आपको आज के सवाल के बारे में बताएंगे। तो आज का सवाल आपके लिए है, पहला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म मार्ट 2019 का जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा, पहला सवाल आपके लिए। उसके बाद दूसरा सवाल आपके लिए आज का है, अरुण भूमि किस राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र है। तो ये दो सवाल आपके लिए आज के हैं, इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर आपको कल के वीडियो में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।